नमस्कार, हिम्बुटी आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। आप मानव शरीर के रूप व उनके इलाज से संबंधित अधिक जानकारी चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कोलेस्ट्रॉल हृदय रोगों का एक प्रमुख जोखिम कारक माना जाता है। नशा धमनियों में जमा होकर यह रक्त के सामान्य प्रवाह को अवरुद्ध कर देता है। यही कारण है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी लोगों को आहार और लाइफस्टाइल को ठीक करने वाले उपाय करते रहने की सलाह देते हैं। अध्ययनकर्ताओं ने पाया कि रक्त में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता पर अगर समय रहते ध्यान ना दिया जाए तो इसके कारण हार्ट अटैक जैसी जानलेवा स्थितियां का भी जोखिम हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम सभी अपने आहार को ठीक रखें। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल से बचाव के लिए सबसे जरूरी है जंक फास्ट फूड या ऐसी कोई भी चीज का सेवन कम या बिल्कुल ना किया जाए जो रक्त को गाढ़ा करती हो या उसके प्रवाह को बाधित करती हो। हृदय को स्वस्थ रखने के लिए सबसे जरूरी मंत्र है। आइए जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की समस्या से बचाव के लिए किन चीजों का सेवन किया जाना चाहिए, किन खाद्य पदार्थों में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा सबसे कम होती। शरीर को स्वस्थ रखने, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर जैसी समस्याओं के जोखिम को कम करने के लिए जरूरी है कि आप अपने खाने के लिए स्वस्थ तेलों का चयन करें। मक्खन और रिफाइंड तेल सेहत के लिए कई प्रकार से हानिकारक हो सकते हैं और इससे रक्त में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का भी खतरा होता है। कैनोला, सूरजमुखी, ऑलिव ऑयल जैसे तेलों का सेवन LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद कर सकते हैं। नट्स का सेवन, कई अध्ययनों से पता चलता है कि बादाम, अखरोट, मूंगफली और अन्य मेवे खाना हृदय की सेहत के लिए अच्छा है। प्रतिदिन एक मुट्ठी नट्स खाने से LDL लगभग 5% कम होता है। नट्स में अतिरिक्त पोषक तत्व होते हैं जो अन्य तरीकों से हृदय की रक्षा करते हैं। मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए नट्स को आहार का हिस्सा बनाना आपके लिए लाभकारी हो सकता है। फैटी फिश के लाभ, सप्ताह में 2 या 3 बार फैटी फिश खाने से LDL कोलेस्ट्रॉल कम किया जा सकता है। बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करने के साथ ये ओमेगा 3 फैटी एसिड भी प्रदान करती है जिससे मस्तिष्क और हृदय के लिए काफी लाभकारी माना जाता है। ओमेगा 3 रक्त प्रवाह में ट्राइग्लिसराइड्स को भी कम करता है और सामान्य हृदय गति को कम करने और हृदय की रक्षा करने के लिए लाभकारी है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सके। हम समय समय पर आपको अनेक औषधियों के बारे में, बीमारियों के बारे में जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।